अगर फ्रेंड्स आपके पास है इनफिनिक्स का हॉट 12 और आप करना चाहते हो इस फोन के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग को, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से इस फोन में आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग को कर सकते हैं और किस तरह से स्क्रीन रिकॉर्डिंग की आपको यहाँ पर सेटिंग देखने को मिल जाती है उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। जैसे ऑडियो रिकॉर्डिंग जो रहती है आपकी, किस टाइप की रिकॉर्ड होना चाहिए उसको सेट करना है, तो वो भी आपको बताएंगे करना क्या होगा उसके लिए। आप अपने कंट्रोल सेंटर को इस तरह से ओपन कीजिए, यहाँ पर रिकॉर्ड स्क्रीन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली इस पर टैप एंड होल्ड करके रखिए तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की आप सेटिंग में आ जाते हैं। यहाँ पर साउंड की सेटिंग क्या रखना चाहते हैं इस पर क्लिक करके आप उसको सेट कर पाएंगे। वॉइस सहित स्क्रीन रिकॉर्डिंग को करना चाहते हैं या फिर साइलेंट, यहाँ उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर वॉइस स्क्रीन पर क्लिक करके आप यहाँ स्वेयर पर क्लिक करेंगे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जो चल रहा होगा वो भी और जो आप बोलते हैं वो दोनों एक साथ रिकॉर्ड हो जाएंगे। अगर आप ये चाहते हैं केवल एक ऑडियो आपकी रिकॉर्ड होना चाहिए तो ऐसा फीचर इस फोन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोनों ऑडियो एक साथ रिकॉर्ड होंगी या फिर आप बिल्कुल साइलेंट तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं स्क्रीन को। यहाँ पिक्चर क्वालिटी को भी सेट कर सकते हैं, तीन ऑप्शन ये भी अवेलेबल है, मीडियम, हाई एंड लो, जो भी रखना चाहिए यहाँ इस पर क्लिक करके उसको भी सेट कर सकते हैं। अब रिकॉर्ड होते समय आपको एक पॉइंट नजर आता है, मतलब क्लिक जो जहाँ जहाँ आपने क्लिक किया हो वो नजर आता है आपको। अगर वो चालू करना है तो इस ऑप्शन को इनेबल करा के आप उसको भी चालू कर सकते हैं। तो अब आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो भी आपने की होगी उसमें पता चलेगा कि कहाँ कहाँ किस किस टाइम आपने टैप किया था। तो इस तरह से तो आपकी टोटल स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग मिलती है। अब जब स्क्रीन रिकॉर्डर पर इस तरह से क्लिक करते हैं तो फिर से आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, फिर से पूछा जाएगा किस तरीके की स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप करना चाहते हैं, तो उस पर क्लिक कीजिए जिस टाइप की आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है और स्टार्ट पर क्लिक कर दीजिए। तो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग होना इस फोन में शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं आइकन यहाँ पर आ चुका है, इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। सेव करने के लिए इस पर ही क्लिक करना है तो आपकी वीडियो सेव हो जाती है।